जब हमारा प्रेम अमेरिका से पढ़कर लौटेगा तो दौलत उसके कदम चूमेगी। अच्छा मजाक है, मजाक है। पढ़ाई खत्म होते ही भैंस की रस्सी मेरे गले में डाल दी। मैं पूछता हूँ, जिस लड़की के साथ मैंने सारी जिंदगी गुजारनी है, क्या मुझे उसे देखने का कोई अधिकार नहीं? मैंने आज तक दुनिया को अपनी सुनाई है, किसी गधे की सुनी नहीं। मैं आपको बहुत दिनों से चाहती थी, और जब आपकी पूजा करने का मौका मिला तो आप इस तरह ठुकरा कर चल दिए। लेकिन ना तो मैंने तुम्हें चाहा और ना ही तुम्हारी पूजा कर ली। मैं तो उम्र भर आपकी ठोकरें खाने के लिए तैयार हूँ, एक बार मुझे देख भी लीजिए। पिताजी को ये समझना चाहिए, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अगर वो 7 नंबर का जूता पहनते हैं तो उनका ये गधा 8 नंबर का पहनता। माँ हो या कोई भाभी, खाना बनाने वाले को हमेशा बावर्ची ही कहा जाता है। मैंने आज तक शराब पिए हुए लोगों को अपना आप भूलते हुए देखा है, लेकिन माँ बाप और बहन भाई के रिश्ते को भूलते हुए इस आदमी ने अपने घर की देवी को ठुकरा दिया। उस आवारा और शराबी का बाल बच्चों से क्या वास्ता हो सकता है? मोहब्बत में ठुकराया हुआ आदमी दूसरों का प्यार भी नहीं देख सकता। जब उल्टे आदमी सीधी तरह रास्ते पर ना आए तो फिर उल्टी चाल से ही अपना मतलब निकालना चाहिए। मैं समझता था तुम पढ़ी लिखी घरेलू खानदानी लड़की हो, इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया। लेकिन मैं ये ना जानता था तुम तो उन औरतों से भी गई गुजरी हो जो कम से कम अपनी इज्जत का सौदा रात के अंधेरे में करती है। समय मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, लेकिन वक्त बताएगा कि मैं कौन हूँ और किसकी हूँ, और जिस रास्ते पर चल रही हूँ उस रास्ते का किनारा नेकी है या पति। मैं आशा को चाहता था, आशा मुझे चाहती, हम दोनों ने एक दूसरे के होने की कसमें खाई थी। मैं अपनी दौलत का सहारा लेकर एक गरीब दोस्त की मोहब्बत का मजाक उड़ा। आप एक शादीशुदा आदमी हैं और आशा एक गरीब घराने की कुंवारी लड़की, आखिर आप उसे अपनी वासना का शिकार क्यों बनाना चाहते हैं? प्रेम, तेरी मौत से बहुत लोगों का भला हो सकता है, लेकिन इस बेचारी का क्या दोष जहाँ तुझे छोड़ दिया। पहचानो इसको, ये शोभा तुम्हारे जीवन की शोभा है। पकड़ो इसका हाथ, हिंदुस्तानी लड़की का हाथ पारस होता है, जिसे छूकर तुम भी सोना बन सकते हो। मैं कुंवारी लड़की नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। मुझ में और शोभा में सिर्फ इतना फर्क है, तुम्हें एक पल मेहंदी रचाई गई और दूसरे पल पहुँच दी गई।